24 न्यूज इन इंडिया के लिए सियोहारा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। नगर पालिका प्रांगण में स्वास्थ्य विभाग की ओर से लाभार्थियों हेतु गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए सहायता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जानकारी देते हुए अधिशासी अधिकारी एपी पांडे ने बताया कि इस शिविर में अब तक लगभग 800 लोगों के गोल्डन कार्ड बना दिए गए हैं। काफी संख्या में लोग अभी रह गए हैं, इसलिए इस काम को असीमित समय के लिए बढ़ा दिया गया है। इस मौके पर पालिका स्टाफ से देवेंद्र सिंह, पंकज सिंह, हरिओम सिंह, दिलशाद, सऊद अहमद के अलावा स्वास्थ्य विभाग से दीपक त्यागी, निशांत त्यागी, इंद्रजीत सिंह आदि भी मौजूद रहे। जो ये आज आयुष्मान वाला ये कैंप यहाँ लगाया जा रहा है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये आयुष्मान योजना के अंतर्गत है, जिसमें एक परिवार को 5 लाख तक की चिकित्सा सेवा भारत सरकार की तरफ से प्रदान की जाएगी, ठीक है। और ये अभी तक तो 30 सितंबर तक होना था, लेकिन लाभार्थियों के पूरे कार्ड बन नहीं पाएंगे 30 सितंबर तक, इसलिए इसको चिकित्सा अधिकारी के आदेश से आज के दिनांक में आगे जब तक कार्ड नहीं बनते तब तक के लिए बढ़ा दिया गया। अच्छा, ये कब से लग रहा है कैंप? ये कैंप तो 11 सितंबर से तो अब इसकी डेट बढ़ा दी गई है, लाभार्थी ज़्यादा होने के कारण। ठीक है।